कार्य को आप क्या क्या समझते हैं? अभी लाल किले पे झंडा जलाना सही था या गलत? धार्मिक झंडा लगाना कोई अपराध तो है नहीं, तो लाल किला ऐसा तो है नहीं कि कोई देश की राजधानी पर उसको अगर एक लाल वो झंडा लगाती पूरा देश पर कब्जा होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। पहले आप सरगर्मी में थे, लोगों का कहना किसान भी, अब किसान थोड़ा जैसे कोई सरकार के साथ सेटिंग की हो ऐसे भी कहने लगे थे, अब लोग पूछने लगे। पहले लोग थे मतलब जोश में थे, अब लोग पूछते हैं भी किसान बैठे ही क्यों हैं, हमको मतलब कोई बड़ा स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। इससे अगला रास्ता तो बंदूक उठावे, इससे अगला रास्ता तो वो है इलाज करेगा पक्का, कच्चा पक्का नहीं करने का। ममता बनर्जी की जीत हुई, बीजेपी की हार हुई, ये भी किसानों की वजह से हुआ। और इसी के साथ अगला सवाल है कि आने वाले यूपी इलेक्शन पंजाब इलेक्शन में भी ऐसा ही कुछ होगा, मोदी का मोदी की जो लहर चल रही है 24 में नहीं रहेगी, आपको क्या लगता है? आप हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दो, हम थाने में बैठे आपके, तो हमको जेल भेज दो पक्के, वारंट बनाओ सब लोगों को, जो जाना चाहता हूँ चले जाएगा। सत श्री अकाल, मैं गुरपाल सिंह बराड़ हरियाणा के शहर टोहाना के बैठे हाँ। इतने बिल्कुल असी जो सदर थाना टोहाना वो गेट च बैठे हैं, नामवर हस्ती नामवर किसान नेता राकेश टकैत साडे नाल ने, सुरखियों के रेंदे ने, सारा देश जानना चाहता राकेश टकैत के मन के चल रहा है, किसान आने वाले समय के करे। टकैत साहब बहुत मुश्किल से आपके साथ बात करने का समय मिला है। टकैत साहब आपको क्या लगता है कि जो मोर्चा है किसान मोर्चा पंजाब के हरियाणा के किसान तो खास तौर पे, लेकिन यूपी सबके किसान बहुत देर से वहां से बैठे हुए हैं, अगर आपसे हमने सवाल करना हो, लोग पूछते हैं अब लोग पूछने लगे, पहले लोग थे मतलब जोश में थे, अब लोग पूछते हैं भी किसान बैठे ही क्यों हैं, हमको मतलब कोई बड़ा स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, क्या लोगे बड़ा स्टेप बताओ? पहले आप सरगर्मी में थे, लोगों का कहना किसान भी, अब किसान थोड़ा जैसे कोई सरकार के साथ सेटिंग की हो ऐसे भी कहने लग जाते हैं। नहीं, बड़ा स्टेप क्या ले, आंदोलन कैसे करें वो तरीका बता दो हमें। आपको तरीका नहीं पता? नहीं नहीं, बताओ ना कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठने से लोकतांत्रिक उसमें दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो बता दो, हम वही कर लेंगे। आपको लगता है भी इस तरीके से नरेंद्र मोदी मानेंगे? हम ये कह रहे हैं कि हमें सुझाव दे दो ना कोई, भाई हम अपना आंदोलन कैसे करें वो सुझाव दे दो, हम फिर उसी तरीके से कर लेंगे। तो अगर आप कुछ रखेंगे तो लोग तो बहुत सुझाव दे भी देंगे, आपने कुछ तो सोचा होगा ना? ना, हमने तो सोचा है कि बैठे रहो, किसी के बाहर बैठो, अगर किसी के घर पर दो मेहमान आ जाए, दो महीने लोग को ना जा तो क्या हो उस घर का, तो हम बैठे हुए ना शांतिपूर्ण उसके घर पर बैठे हुए। घर वाले बेशर्म हो जाते हैं जी, जैसे मोदी, हो सकता है सरकार बेशर्म होकर बैठी हो, बेशर्म होकर बैठी, उसका क्या इलाज है बेशर्म का बताओ? बीच से अगला रास्ता तो बंदूक उठावे, इससे अगला रास्ता तो वो है आतंकवादी बने, टेररिस्ट बने, माओवादी बने, तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, यही है, इसी से हल निकलेगा, इसी से हल निकलेगा। कैसा आप मानते हैं कि आपके साथ जो नौजवान हैं वो अभी भी पूरे जोश में हैं आपके साथ हरियाणा पंजाब के? ना, उनका जोश कम कर रहे हैं हम, ज्यादा जोश में थे वो कम कर रहे हैं उनका जोश। आपके साथ हैं, आपको लगता नहीं पहले से कम है थोड़े, मतलब क्योंकि नौजवान होता है ना उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है जल्दी में, तो जो ज्यादा रिजल्ट जो ज्यादा स्पीड में चले, आपको अगर यहां तक दौड़ा दे तो 100 मीटर की दौड़ जब लगाएगा तो दूसरी स्पीड होगी, 400 वाली में दूसरी होगी, और जब आपको लॉन्ग उसमें जाना होगा बहुत लंबी उसमें 35 उसमें, तो फिर बहुत स्लो स्पीड से चलता है। तो भाई हमारे पास में जो इलाज है वो देसी इलाज है, स्लो वाला इलाज है, इलाज करेगा पक्का, कच्चा पक्का नहीं करने का, पहले उसके टेस्ट करेंगे, उस पर कौन सी दवाई काम करेगी वो दवाई उसको देंगे, फिर जो सी दवाई से उसे आराम होगा वह दवाई देंगे, उसका कोर्स थोड़ा सा लंबा है हमारे पे, हमारे पास तुरंत वाला नहीं है, तुरंत चीर पाई करे टांके लगाए, आजकल का जैसा ऑपरेशन है सब ऑपरेशन के भर्ती हो जाओ महिलाएं तुरंत ऑपरेशन करेंगे, पहले तो नहीं ऑपरेशन होते थे, तो हमारे पास में तो भाई देसी इलाज है। बहुत अच्छी बात कही है तो आपने।
खैर टिकैन साहब, आपकी बात करें तो लीडरों में आपके बयान हैं जो मान लेते हैं अभी सरकार के खिलाफ रहते हैं, आप अपने लोगों के जो दूसरे लीडरों के खिलाफ, किसान लीडरों के खिलाफ कम बोलते हैं, लेकिन और किसान नेता है ना जो खासकर पंजाब के, उन पर ये इल्ज़ाम बहुत लगते हैं कि वो नौजवानों यूनियन के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं, नौजवान उनके खिलाफ बोलते हैं। ये पंजाब में जो किची करना चलता रहता है आपस में, इसने मोर्चे का नुकसान भी किया है। आप इसको सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं और आपको लगता है ये बात सच है? नौजवान जो क्यों नहीं खुश हैं? हमने तो नहीं सुनी उनकी किसी की बात पंजाब में भी कि कोई किसी के खिलाफ वहाँ बोलता है। वहाँ तो पंजाब में तो ठीक आंदोलन है, हमने तो नहीं सुनी। नौजवान और किसान नेताओं के बीच में चलता रहता है सर, कोई कॉमरेड है, कोई सिख है, ऐसे कुछ बहुत मामले चल रहे हैं, वो नहीं चलने चाहिए किसान का मामला। अपने आप बैठ कर समझा ले, उसे बाहर क्यों लेके जाओ, तो मसला है। हाँ समझा ले उनको, वही समझा ले। सर आप दीप सिद्धू को जानते होंगे, उनके बारे में क्या ख्याल है आपके? दीप सिद्धू जो जेल भी जाके मुलाकात है नहीं, वो तो वो था जिसने वो लाल किले पे एक धार्मिक ध्वज बांध दिया था। उस कार्य को आप क्या क्या समझते हैं? अभी लाल किले पे झंडा जलाना सही था या गलत? धार्मिक झंडा लगाना कोई अपराध तो है नहीं कहीं, अगर उतना बड़ा मामला धार्मिक झंडा कोई लगा दिया तो धार्मिक झंडा लगाने की क्या धाराएं बनती है, वो लगा दो उसमें। कोई लाल किला ऐसा तो है नहीं कि कोई देश की राजधानी पर उस पर अगर एक लाल वो झंडा लगाती पूरा देश पर कब्जा हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक खाली लोहे के पाइप पे एक धार्मिक झंडा लगाना तो कोई अपराध तो है नहीं, क्योंकि तो बहुत बड़ा जो संघ वाले जो लोग हैं इन्होंने तो वहां जयपुर हाईकोर्ट पर लगा दिया था अपना भगवा झंडा, जबलपुर में भी लगा, इन्होंने दो जगह लगा मुख्यमंत्री ने तिरंगे की बजाय, और वो भगवा झंडा लगा दिया था तो उस पर तो कोई मुझे लगे अपराध जैसा उस पर अपराध बनाओ वैसा इन पर बना दो। नेशनल मीडिया ने सरकार ने तो ये बोला भी देशद्रोह की बात है, तिरंगा हटाया गया, हालांकि हटाया नहीं। लाल किला किसका है? लाल किला तो डालिमिया का, अब डालिमन ने तो कोई मुकदमा करा नहीं भाई। अगर लाल किला सरकार का होता तो चलो सरकार कह सकती थी, लाल किले पर तो अंग्रेज जिनके पास में वो थे सब तोप तमंचे, वो लाल किले पर कभी नहीं जा पाया, और आज लाल किले पे आदमी जा रहा और फिर कह रहे जी लाल किले पर कब्जा कर लिया। तो लाल किला इतना हल्का चीज होगी क्या? कोई भी जाओ तो तोप तमंचे लगते थे, क्वाड टूटते थे, फौज लगती थी, हजारों हजार फौज लगती थी, तो लाल किले पर तो जब भी कोई नहीं जा पाया। आज लाल किले के ऐसे कैसे दरवाजे खोल दिए कि जाकर लाल किले के सीढ़ी का भी रास्ता बता दिया, ऊपर भी जाकर चढ़ा दिया, बालकों को बहका कर लेकर गए लाल किले में, कौन कौन थे उनकी जांच होगी। लोग कह देते हैं कि किसान नेता जो हमारे ये इलेक्शन तक खींच के लेके जा रहे हैं, जैसे पंजाब का भी इलेक्शन आ रहा है, पंजाब मेन भी है इसमें, तो किसान नेता कुछ ऐसा है मतलब कोई अच्छा कोई तगड़ा प्लान आगे वाला कौन सा है जो आप सरकार के खिलाफ करने जा रहे हो? नहीं हम तो क्या करते भाई, सरकार ही करेगी हमारे खिलाफ जो कुछ करेगी। हमने ये कहा कि तीन जो कानून है उनको वापसी ले लो, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पे MSP तय कर दो, उस पर कानून बना दो, ये मोर्चा खत्म हो जाएगा, आगे एक कमेटी बन जाएगी, भारत सरकार और कमेटी के लोग आपस में फिर बातचीत करते हैं बहुत से मसलों पे, ये हमने कहा है। पहले तो वो मीटिंग कोई ना कोई बुला लेते थे ना, वो बुलाना से भी हट गए, मतलब सरकार के मन में डर ही नहीं रहा कोई। हाँ डर नहीं रहा, 24 उसके 22 जनवरी के बाद में डर खत्म हो गया सरकार का। क्यों लगता है? अब पता नहीं भाई डर की होगी नहीं डरती होगी सरकार, ये चिंता की बात है ना कैसा? हाँ चिंता की बात है, सरकार डर नहीं रही, चिंता की बात है। इसका हल क्या, सोल्यूशन क्या? निकल जाएगा भाई, हो सके कि 2022 में ले ले सरकार कानून वापसी, 2023 में ले ले, बैठे रहेंगे 24 तक हो जाएंगे साहब, 2024 में सरकार ले लेगी वापसी भारत सरकार। आपको लगता है कि जो आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आपका समय काफी व्यस्त है, आपको लगता है कि जो ये ममता बनर्जी की जीत हुई, BJP की हार हुई, ये भी किसानों की वजह से हुआ? और इसी के साथ अगला सवाल है कि आने वाले UP इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन में भी ऐसा ही कुछ होगा? मोदी की जो लहर चल रही है 24 में नहीं रहेगी? मोदी की लहर तो नहीं रहनी चाहिए 24 में, मोदी की तो नहीं, क्योंकि जो सरकार है ये BJP की सरकार तो है नहीं, सरकार तो मोदी सरकार है, और मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चला रही, BJP के लोग भी जो बड़े लीडर थे BJP के, वो तो घरों में कैद हैं, तो उनको भी छुटाना चाहिए देश की जनता को, जिन्होंने यह पार्टी बनाई, जिन्होंने कुर्बानी करी,
तो ये तो घरों में कैद है, उनको छुटाना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया जी। टोहाना में आप पक्के मोर्चे रहेंगे जब तक ये नहीं छोड़ेंगे? हाँ यही है, टोहाना में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे यही है जी। बहुत शुक्रिया जी। और एसीए रिक्वेस्ट कहते इन्हों का कहना कि टोहाने के जिन्ना चर गिरफ्तारियां नहीं खत्म होंगे उन्ना चर इतने पक्के मोर्चे रहने, इन्होंने अज ऐलान कर दिता है। कैमरामैन इकबाल के नाल मैं गुरपाल सिंह, टोहाना हरियाणा।